मत्स्य पालन गांव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लुनेनबर्ग के बारे में। कनाडा में टाउन लुनेनबर्ग कनाडा के नोवा स्कोटिया के दक्षिण तट पर एक बंदरगाह शहर है। 1753 में स्थापित यह शहर नोवा स्कोटिया में प्रोटेस्टेंट को बसाने के पहले ब्रिटिश प्रयासों में से एक था। अर्थव्यवस्था परंपरागत रूप से अपतटीय मत्स्य पालन पर आधारित थी और आज लुनेनबर्ग कनाडा के सबसे बड़े माध्यमिक मछली प्रसंस्करण संयंत्र की साइट है। पोस्टकार्ड परफेक्ट लुनेनबर्ग हैलिफैक्स से लगभग 60 किलोमीटर दूर 1750 के दशक में बनाई गई चमकीले रंग की ब्रिटिश औपनिवेशिक इमारतों का एक मछली पकड़ने वाला गांव है। लुनेनबर्ग अब एक आकर्षक चलने योग्य शहर है और नोवा स्कोटिया के लिए किसी भी यात्रा को रोकना चाहिए। अपनी रंगीन इमारतों के साथ ओल्ड टाउन लुनेनबर्ग के विशिष्ट तट पर घूमें और समुद्री यात्रा और रम रनिंग की नमकीन दास्तां सुनें। अद्भुत रेस्तरां, डिस्टिलरी, ब्रूअरीज, कारीगरों और अनूठी दुकानों से भरे एक आकर्षक शहर की खोज करें। लुनेनबर्ग को स्टीफन किंग उपन्यास पर आधारित फीचर फिल्म डोलोरिस क्लेबॉर्न और क्रिस्टोफर प्लमर, कैथी बेट्स और जेनिफर जेसन ले अभिनीत फीचर फिल्म के लिए उत्पादन और फिल्मांकन आधार होने पर गर्व है। 6 लोगों के बारे में एक फीचर फिल्म समुद्र में खो गई, सुंदर लेकिन अविश्वसनीय अटलांटिक महासागर पर अपने जीवन के लिए लड़ते हुए। ओल्ड टाउन लुनेनबर्ग उत्तरी अमेरिका में केवल 2 शहरी समुदायों में से एक है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। 18वीं और 19वीं सदी की मूल औपनिवेशिक इमारतों का 70% अपने रंगीन अग्रभागों के साथ आगंतुकों का स्वागत करना जारी रखता है। ओल्ड टाउन लुनेनबर्ग उत्तरी अमेरिका में केवल 2 शहरी समुदायों में से एक है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। 18वीं और 19वीं सदी की मूल औपनिवेशिक इमारतों का 70% अपने रंगीन अग्रभागों के साथ आगंतुकों का स्वागत करना जारी रखता है। ओल्ड टाउन लुनेनबर्ग उत्तरी अमेरिका में केवल 2 शहरी समुदायों में से एक है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। 18वीं और 19वीं सदी की मूल औपनिवेशिक इमारतों का 70% अपने रंगीन अग्रभागों के साथ आगंतुकों का स्वागत करना जारी रखता है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे सभी वीडियो देखें।